हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। और टैली प्राइम में हमें करना क्या है, देखिए टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है वो अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। और शुरुआती दौर में ये प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए पहली एंट्री तो आप पास कर देंगे। जैसे कि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि बिजनेस में इन्वेस्ट होने वाले रुपए को हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स की भाषा में कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं हमेशा, तो क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट कर देंगे और ये एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें फर्म का नाम चाहिए, वहां पर कैपिटल अकाउंट आता है, हमें फर्म का नाम या उस व्यक्ति का नाम चाहिए जो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो कहां से टाइप होगा, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कहां चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं एंट्री पास करने के लिए। तो वी प्रेस करते हैं, वाउचर में आ जाते हैं, रिसिप्ट वाउचर में आ चुके हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, वो डेट आ जाएगी जिस डेट पर ये एंट्री पास होगी, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020 वो डेट है। यहां पर मैं अभी हूं सिंगल एंट्री मोड में, सिंगल एंट्री मोड में भी बड़े ही आसानी के साथ आप ये एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर कैश का लेजर बनाने की जरूरत हमें पड़ती नहीं है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो यहां पर आप कैश डायरेक्टली डाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको कैश डालने का मन नहीं कर रहा है तो यहां पर बैंक अकाउंट का लेजर बनाइए। लाइक मैं यहां पर बना लेता हूं बैंक ऑफ इंडिया कर देता हूं, तो ये कर दिया मैंने बैंक ऑफ इंडिया, ये एक लेजर हो गया हमारे पास। एंटर प्रेस किया और इसे अंडर बैंक अकाउंट डाल देंगे और यहां पर बैंक अकाउंट का डिटेल आ जाएगा। ये कर दिया मैंने, ये हो गया, तो ये बैंक अकाउंट हो गया। और यहां पर ब्रांच का नेम आ जाएगा और फिर यहां पर देवरिया ब्रांच कर देता हूं, ये लाइक DEORI लिख देता हूं मैं यहां पे। एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे BSR कोड और ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। अगर आप चेकबुक इशू करना चाहते हैं तो Y प्रेस कर दीजिएगा और चेक नंबर यहां से चालू होगा, ये देख सकते हैं। एंटर प्रेस किया मैंने और यहां पर वो नंबर डाल देता हूं, लाइक ये कर दिया मैंने, एंटर प्रेस कर दिया और इतने चेक इशू हो जाएंगे। और चेक पर नाम क्या प्रिंट होगा, देखिए मेरा ही नाम प्रिंट होगा, यहां पे लिख देता हूं सूरज कुमार तिवारी, तो ये नाम प्रिंट हो जाएगा चेक पर आपके, ठीक है। एंटर प्रेस किया, अब इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। चेक की प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं, फिलहाल मुझे जरूरत नहीं महसूस हो रही है। यहां पर आपको डालना है उस व्यक्ति का नाम, ठीक है। अब देखिए जिसका ये खाता है, ठीक है, तो लाइक मेरा खाता है तो यहां पर मैं डाल देता हूं, तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एड्रेस वगैरह डाल लीजिएगा, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कराता हूं, ठीक है। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया से पैसा आएगा कहां, बिजनेस में आएगा, तो बिजनेस में आने वाले रुपए को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो क्या आ रहा है, तो बैंक के माध्यम से रुपया आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट कर देता हूं यहां पे। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अंडर कैपिटल अकाउंट इसको डाल देंगे, ठीक है। तो ये डाल दिया कैपिटल अकाउंट और ये यहां पर आएगा उस व्यक्ति का नाम जो इस फर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं ही हूं, तो यहां पर डाल देता हूं, ये डाल दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। तो ये डाल दिया और यहां पर एड्रेस डाल दीजिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। टैली सीखना तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक चीजों को देखना होगा। अगर आप बैंक की डिटेल दिखाना चाहते हो तो यहां वाई प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको ऑफ ही कर देते हैं, ये परेशान करेगा, इसको ऑफ रखते हैं। यहां पर आता हूं, यहां पैन कार्ड की डिटेल आ जाएगी, तो जो भी पैन कार्ड का डिटेल है वो यहां पर आप डाल दीजिए। एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर रेगुलर रखना है, यहां पर GST IN नंबर अपना फिल कर दीजिए, ठीक है। कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपको एक GST IN दिया जाता है, वो GST IN नंबर को टैली वेरीफाई करेगा। और यहां पर अगर अल्टर करना चाहते हैं इसे, तो डिटेल को अल्टर करके और यहां पर ये सारी डिटेल चाहे तो फिल कर सकते हैं आप। इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं, ये एक्सेप्ट करा लिया। अब यहां पे कितना रुपया इन्वेस्ट हुआ है, तो यहां पर मैं कर देता हूं ये, ठीक है। और अब एंटर प्रेस करके सिंगल एंट्री मोड में ही इसे आप करा सकते हैं एक्सेप्ट। यहां पर आप दे सकते हैं लैक्स रुपीज इन्वेस्टेड इन कंपनी, ये दे दिया, एंटर प्रेस किया और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये एंट्री बहुत ही आसानी के साथ पास हो जाएगी।